हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ हरा मटर का दाल। तो यहाँ पे मैं दाल ले सॉरी वो मटर ले रही हूँ, हरा मटर है। आज मैं कच्चा का ही बनाऊँगी, बॉयल नहीं कर रही हूँ। तो इसे इसमें डाल देंगे मिक्सी में, आपको जितना भी मटर का दाल बनाना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरा मिर्च, जीरा और काली मिर्च, मैं आधा केजी मटर ली हूँ और यहाँ पे डालू एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसमें डालूंगी पानी और पानी डाल करके इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम पतला सा पीस चुका है। कढ़ाई को गैस पे रखी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी तेल। यहाँ पर मैं तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ले रही हूँ हींग है, जीरा, लाल मिर्च और करी पत्ता, इन सभी चीज़ों को डालूंगी। तेज़ पत्ता, और यहाँ जो मटर पीसेस हैं उसे भी डाल रही हूँ। आप जितना गाढ़ा दाल बनाना चाहते हैं उसमें उतना पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दाल जितना खोलेगा गाढ़ा होते जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा और पानी डाल दे रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्दी पाउडर, यहाँ मैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालूंगी। फ्रेंड्स, मटर के दाल में हल्दी कम डाला जाता है क्योंकि मटर जो है हल्दी को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो इसमें हल्दी का टेस्ट आएगा। इसे ढक करके पकाएंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो बॉयल आकर के गिर जाएगा। इसे मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। दाल को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ जो कलर था, कलर भी एकदम कलर चेंज हो चुका है इसका, और जो ऊपर दाना दाना निकला हुआ था मटर का वो भी एकदम हट चुका है। यही पहचान है कि दाल अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस को कर दे रही हूँ ऑफ। ये देखिए कितना बढ़िया दाल बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मटर की दाल बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।